देखिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, कानून का राज समाप्त हो गया, भय का माहौल है, गोहरी में घटना हुई, पिछले दिनों अमेठी में घटना हुई, और उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर जिस तरह दलितों की हत्या हो रही है, खासकर पासी समाज के एक परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्या जिस तरह गोहरी में हुई, अमेठी में हुई, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है। योगी जी लगातार कानून व्यवस्था की बात करते हैं, गृह मंत्री दूरबीन से अपराधियों को देखने की बात करते हैं, क्या इस तरह का अपराध उनको नहीं दिखाई दे रहा है? कौन सी ऐसी परिस्थिति है? यह परिवार रोज न्याय मांग रहा था, मुख्यमंत्री के कार्यालय में अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाता रहा, फिर भी इस परिवार को न्याय नहीं मिला। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब आई, मौके पर इस परिवार से मिली, यहाँ परिवार के लोगों ने बताया, उन्हीं के परिवार का एक लड़का जो देश की सीमा की रखवाली कर रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ कानून के रखवाले उनके परिवार की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? आज कांग्रेस पार्टी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है। हम परिवार के लोगों, पीड़ित परिजनों को के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए निश्चित तौर से आज हम यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और निश्चित तौर से इनकी आवाज़ उठाएंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। प्रियंका गांधी एक बैठक कर रही हैं इलेक्शन स्ट्रेटजी कमेटी के साथ, बैठक करें, क्या संदेश देंगे? भैया देखिए, आज हम यहाँ आए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने, न्याय की लड़ाई लड़ने, और पूरा कांग्रेस पार्टी न्याय की लड़ाई के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्धित है। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, पूरे प्रदेश के हर कोनों में हम सभा करेंगे और निश्चित तौर से पूरे प्रदेश के लोगों के साथ मिलकर लखनऊ में एक बड़ा जन आंदोलन। सर, ये एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि रेप पीड़ित लड़की की अगर मौत हुई तो उसकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, यहाँ पर मंच पर तस्वीर लगाई गई है और कई जगहों पर नहीं। देखिए, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है, चूक की गई है। देखिए, ये मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोग श्रद्धांजलि सभा में यहाँ आए हैं और श्रद्धांजलि सभा में पुष्प अर्पित करने के लिए थोड़ी कमियां हुई हैं, उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। सर, ये बताएं कि आज प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में हैं, वहां पर खाद कारखाना कॉलेज दे रहे हैं, तो क्या यूपी में लगातार प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, क्या ये चुनावी सभा है? वो चुनाव लड़ने आए हैं।